गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज भी लॉकडाउन ही चल रहा है आज के दिन भी। और मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से शुरू किया है। मैंने आज काले चने बनाए हैं जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और इनको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये सारा मैंने ऑलरेडी ग्राइंड करके फ्रिज में रख दिया था ताकि सुबह मुझे आसानी हो तड़का लगाने में। मैंने इसको तड़का लगा के इसको पकने के लिए रख दिया है। साथ ही में मैं रोटियां और पराठे बना रही हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ी लेट उठे हैं तो इसीलिए हमने मेरे हस्बैंड और मेरे लिए मैंने पराठे बनाए हैं बेटे के लिए। और मेरी मदर इन लॉ का लंच टाइम हो गया तो उनके लिए मैंने रोटियां बना दी हैं। और बस छोले भी रेडी हो चुके हैं और अब बस मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। वेल, हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और अब मैं डिनर की प्रिपरेशन करने आ गई हूँ। आज डिनर में हम लोग सीताफल बना रहे हैं और मुन्नी आटा गूंथ रही है। मीनवाइल मैं सीताफल काट के रखा हुआ था तो उसको तड़का छौंक लिया है मैंने और जीरा भून के रायता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खीरे का रायता बनाऊँगी क्योंकि पकौड़ियाँ पड़ी नहीं हैं घर में। मैंने ये सीताफल की सब्ज़ी रेडी कर ली है। हम मीठा वाला नहीं बनाते, हम सीताफल जो बनाते हैं वो नॉर्मल खट्टा वाला बनाते हैं जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और अमचूर पाउडर डालते हैं। अगर अम्बी अवेलेबल होती है तो वो डालते हैं, बट आजकल लॉकडाउन में वैसे ही बहुत कम सामान अवेलेबल है तो लिमिटेड चीज़ों से ही गुजारा कर रहे हैं। और सीताफल बहुत अच्छा बनता है। थोड़ी देर उसको नॉर्मल छोड़ के हम लोग नमक मिर्च वगैरह डाल के इसको मैं बंद कर देती हूँ। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग सीताफल की सब्ज़ी कैसे बनाते हो। और बाकी इसमें मैंने लंबे लंबे प्याज भी डाले थे उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और जीरे को मैंने भून के यहाँ पे कूट के रख लिया है और रेस्ट इसको कूट के मैंने रख लिया है। और अब मैं इसे रायते में डाल दूँगी और फ्रिज में थोड़ी देर रख दूँगी ताकि सारा जो है ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और सूखी सब्जी के साथ रायता बहुत पसंद है हमारे घर में सबको, इसीलिए मैंने ये बना के रख लिया। और अब शाम का टाइम हो चुका है, हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया था, वो मैंने शूट नहीं किया और हम लोग थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये वीडियो मैंने टिकटॉक पे भी डाली थी। हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा इन्जॉयमेंट ज़रूरी है। इसी के साथ इस आज के दिन हमने यही सब किया और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत गिटार बजा रहे हैं और बेटा एक्साइटेड होके आ रहा है कि मुझे दे दो। यही सब मस्ती और आराम, रेस्ट, इन सब के साथ ही इस व्लॉग को आज एंड करते हैं। और मैं जल्दी मिलूँगी आपको नए व्लॉग के साथ जिसमें